हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतंजा सागी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सब कैसे, आशा करते हैं आप सब मस्त और मजेदार होंगे, अपने अपने दोस्त के साथ फरार होंगे। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं अपना मशीन खोलने। दोस्तों, ये वाला मशीन बोल रहे हैं, ये वाला मशीन खोलने जा रहे हैं, पानी नहीं दे रही अच्छा से। तो दोस्तों, चलते हैं, इस मशीन को फटाफट खोल देते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो मशीन को खोल दिया, अब ये वाला खोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाशर खुल नहीं रहा था, इसीलिए इसमें कसना पड़ा। अब इसे खोल लेते हैं अच्छे से। दोस्तों, सब एक एक पार्ट को अलग कर लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, इसको अलग, सबको अलग अलग कर दिए हैं। चलते चलते मशीन में, और इसका बड़ा हो गया है। मशीन का डंडा का तो दोस्तों, खोल दिए मशीन को। अब चलते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। खाना ला दिए यहाँ पर, दो रोटी, एक चावल, एक सब्जी, खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो खाना वाना खा कर तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं सामान को बोरा में भरने। सब लोहा लकड़ को बोरा में भर लेते हैं, बोरा में नहीं, झोला में भरेंगे। तो दोस्तों, सामान को बोरा में भर लिए, झोला में सामान ले लिए, अब जा रहे हैं मार्केट। देख सकते हैं यहाँ पर, ये मशीन का डंडा है। लंड की बात नहीं कर रहा, भोसड़ी डंडा की बात कर रहे हैं। बाजार से आ गए हैं सामान लेकर, यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिए हैं और एक नट लिए हैं, दो नट लिए हैं यहाँ पर, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला, एक वार्सल लिए हैं। दिखाते हैं इसको, देख सकते हैं यहाँ पर वार्सल। दोस्तों, इस छड़ को इसमें डालकर कस लेते हैं, ऐसे इसमें ऐसे कस देते हैं। अब चलते हैं, इन सबों को मशीन में बांध देते हैं फिट करके। दोस्तों, इसको बांध करके सेट कर लिए हैं वार्सल को, अब इसको सेट कर रहे हैं।
तो मशीन को फिट कर लिए हैं और फिट करते करते एकदम गर्मी हो गया है, पसीना देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर पूरा मशीन फिट कर लिए हैं, ये नया नट लगाए हैं, ये भी नया नट लगाए हैं, और यहाँ पर वेल्डिंग दो जगह हुआ है, और ये नया वार्सल पूरा ये भी सेट लगा है। अब चलते हैं इसे फिट कर लेते हैं। दोस्तों इसे गमछा से बांधे थे मुंह को ताकि कोई बच्चा ईटा पत्थर ना फेंक दे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो मशीन को बना दिया, अभी पानी पीने लायक नहीं है, देख सकते हैं अभी पानी थोड़ा काला काला है, और ये देख सकते हैं इधर पूरा अच्छे से कस दी है। तो दोस्तों अभी शाम का समय है और अभी आंधी चलने लगी है, देख सकते हैं बादल घिरा हुआ है चारों तरफ। दोस्तों ऐसा ही मौसम दो चार दिन से हो रहा है, पर बारिश नहीं आ रही, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है।